हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। अब जैसे कि मैंने बेसिक्स एग्जांपल्स ऑफ इनवर्स लैपलेस और उसके फॉर्मूलेस ऑलरेडी कवर कर दिए, मतलब अगर नहीं देखा रहेगा तो एक बार आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख लेना, मतलब लेक्चर नंबर 1 फॉर व्हाट इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। सर ये वाले इसमें क्या सीखने वाले हम लोग, बेसिक एग्जाम्पल्स फॉर इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर पार्ट 2 मैंने लिखा है। अब प्लीज ये सब फॉर्मूले को मैंने डिराइव कर चुका है, अगर नहीं देखा रहेगा तो इट्स अ रिक्वेस्ट यार, प्लीज एक बार देख लो, अदरवाइज फिर ये वीडियो का मतलब नहीं रहेगा कि इतना मेहनत करके बना और तुम लोग देखोगे नहीं। सीक्वेंस में देखो तो मजा आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो चुका है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। नाउ अभी मुझे ये बताओ ये क्या लिखा है, 1/L² + 16 लिखा है। अच्छा एक चीज वापस सेम डायलॉग मारूंगा यहाँ पर जो बोल रहा हूँ, ऊपर एस है क्या? नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि कॉस नहीं आएगा। अच्छा ऊपर एस नहीं है मतलब साइन का फॉर्मूला आएगा, साइन का फॉर्मूला है, वेरी गुड सर। अब साइन में भी दो चीज आता है, या तो हाइपरबोलिक वाला आएगा, यहाँ पर देखो साइन में दो फॉर्मूला आता है, प्लीज साइन में दो फॉर्मूला आता है, साइन नॉर्मल वाला, साइन हाइपरबोलिक वाला। कैसे मालूम पड़ता है देखने का कि माइनस है या प्लस है? तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 4² यस सर बोलो। अब देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला या ये वाला? पहला वाला, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या 1/a, पहले तो साइन ए टी, ए के जगह पे क्या 4t 1/4। सर ये तो पहला हो गया, पार्ट 1 का था सर। हाँ ठीक है बच्चा, इसमें और इसमें फर्क देख, यहां पर जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज क्लियर कर लो प्लीज। 1/1 देखो यहां से स्टार्ट होता है गेम, इधर से स्टार्ट होता है जो पार्ट 2 का ना गेम, इधर से स्टार्ट होता है, यही तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है। अगर इधर से आया ना तो आगे का सब कुछ आने लगेगा तुम लोगों को, प्लीज एकदम ध्यान से। 1/S + 2² + 16, क्या तुम लोगों को स्क्वेयर दिखा? हाँ यार मुझे तो दिखा, और यहां पर इसका 4² प्लीज। अगर दिल में यहां पर जो मैं बोल रहा हूँ यहां पर मेरे को बताओ, 1/S + 2 को हम लोग आंसर क्या लिखते थे, -2t यस और नो? क्यों ऐसा -2t? क्योंकि s के आगे +2 था, s के आगे +2 था। इसका मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हो बच्चे, यहां पर देखो सबसे पहले s कितना है, s मेरे को एक ही दिख रहा है, उसके आगे +2 है, तो उस +2 को हटाओ पहले। मतलब सर आप क्या बोल रहे हो, इसको फोकस करो, +2 को हटाओ। तो ये +2 को हटाने के लिए क्या करूंगा, -2t। अब +2 हट गया है, समझो +2 हट गया, देखो इसका फॉर्मूला क्या, 1/S² + 4² वाओ, समझा कि नहीं? पहले क्या बोला मैंने, ये 2 को हटाओ, ये 2 को हटाने के बाद फॉर्मूला देखो, 1 दिखा, ये 2 हट गया, तो इसका मतलब ये हटाओ, S² + 4² समझा? नहीं समझा तो दूसरा एग्जांपल है, वेट करो थोड़ा सबर रखो, ये चीज क्लियर होगा, बोलो यस और नो। तो सर इसका आंसर क्या, e^-2t, इसका क्या बच्चा 1/S², देखो ऊपर लिखा हम लोगों ने 1/4 sin 4t, बोलो समझा या नहीं समझा? हाँ या ना बोल रहे? अगर नहीं समझा तो चलो इसका भी देख लेते हैं, 1/S² + 3² सर आपको कहां दिख रहा है स्क्वायर? अरे देखना S-4² मेरे को तकलीफ क्या दे रहा है, ये -4 तकलीफ दे रहा है, ये -4 तकलीफ दे रहा है, इस -4 को हटाऊंगा मैं, बोल हाँ या ना, -4 को हटाएंगे? रेडी हो, मेरा साथ दोगे तुम लोग? यस और नो बोलना है, -4 को हटाओ, चलो -4 है तो इधर क्या जाएगा, e^4t, तो बचा क्या, उसको हटाओ, -4 गया, अभी -4 गया मतलब S² बचा +3² वाओ। तो यहां पर आंसर क्या, e^4t, यहाँ पर क्या है 1/S² + a² 1/S² + a² मतलब क्या होगा, 1/S² + a² अगर देखा जाओ, देखा जाएगा तो क्या है बच्चा, यहाँ पर 1/S² sin a t, ठीक है यार तू अच्छा बन जा जरा, थोड़ा प्यार से एकदम मोहब्बत से, sin a t 1/3, बोलो यस और नो, क्लियर होता है प्लीज, यस और नो बोलना प्लीज, हाँ या ना बोलना, अगर क्लियर है तो बोलना यस। एक बार देखो तुम लोग, एक बार सोच लो मैंने क्या किया, स्क्वायर ये तो सिंपल फॉर्मूला था, पार्ट 1 में सिखाया, यहाँ पर ये +2 तकलीफ दिया, इस +2 को चल साले चल चल बाहर चल, तो उसको बाहर फेंक दिया मैंने। अब बाहर फेंकने के बाद देखना चाहिए क्या दिख रहा है, हाँ या ना? तो सेम सम को देखो यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर रुको रुको इसको मत देखो प्लीज, सेम सम को 1, 2, 3 हो गया, चलो 4 दिखाता मैं, लैपलेस इनवर्स ऑफ 1/S² - 4² सोचो इसका क्या आएगा, तुम लोग सोचो तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, सोचो इसका आंसर क्या आएगा, 1/S + 2² है यहाँ पर और यहाँ पर -4² चलो देखते हैं सर क्या आने वाला, कुछ नहीं मजा आ गया, आएगा या नहीं आएगा सोचो अपने आप से, क्या लगने वाला फॉर्मूले में क्या लगने वाला है, चलो रेडी हो, सोच लिया तुम लोग ने, हाँ या ना? सोचा तो चलो इसका बोलो, 1/S² - a² मतलब यहाँ पर हाइपर आने वाला है और ऊपर एस नहीं मतलब साइन आने वाला है, 1/a sin 4t, ये समझा? यस और नो ये सही है। अरे हाइपर मतलब क्या होता बच्चा, साइन h4t, ऑसम यार ऑसम, समझना चाहिए इसमें और इसमें फर्क दिख रहा है, प्लस का जगह पे नॉर्मल वाला। अब इसका बताओ,
तकलीफ कौन दे रहा, पहले वो तकलीफ को दूर करो, समझ रहा, तकलीफ को दूर करो, पहले तकलीफ को दूर करो। ये प्लस टू लिखा है, प्लस टू को हटा दो, प्लस टू को हटाओ साले को, चल 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 बाजी हो जा भाई, लैपलास इनवर्स मतलब ये प्लस टू है तो उससे जाएगा तो माइनस टू टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर, और इसका आंसर तो आता है यार एकदम मोहब्बत से आंसर बोल दो, इसका क्या होगा वन अपॉन फोर साइन एच फोर टी। वाह यार मजा आ गया यार मजा, या यहाँ पर बोलो वन अपॉन एस माइनस फोर द होल स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, मतलब सर इसको पहले ये माइनस फोर को उस साइड लेके जाएगा ई रेस टू फोर टी करूंगा और हट गया, अब इसके बाद इसका आंसर आता है एस स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट, इसका आएगा या नहीं आएगा, इसका क्या आएगा आंसर ई रेस टू व्हाट फोर टी लिखा वन अपॉन थ्री साइन थ्री टी, ये चीज क्लियर होता है सर कैसे किया वन अपॉन अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये लिखा मैंने गलत है क्यों, अरे भाई हाइपर आएगा ना हाइपर, हाँ या ना हाइपर मतलब क्या होता है जैसे मैं हाइपर हो जाए तो बीच बीच में माइनस आएगा तो हाइपर लिख हाइपर लिख हाइपर लिख, बोला हाँ या ना, यहाँ पर देख हाइपर लिखा बराबर है, यहाँ पर हाइपर लिखा हाँ लिखा है, यहाँ पर हाइपर क्यों नहीं है, अरे नीचे प्लस है, जो तकलीफ हो रहा था जो शिफ्ट हो रहा था उसको मैंने दूर किया, जो शिफ्ट हो रहा था उसको दूर किया, अगर ये चीज क्लियर होता तो चलो अभी यहाँ पर जो भी लिया मैंने साइन का ले लिया, बोला हाँ या ना सर आपने यहाँ पर कॉन्स्टेंट देखो मैंने ये और ये फॉर्मूला ले लिया, अब मैं ट्राई करने वाला जो चीज प्लीज इतना कॉपी करने का, हाँ या ना अगर कॉपी कर लिया रहेगा तो ठीक है, रुको 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 मैं चेंजेस कर रहा हूँ वन टू थ्री, देखो एक मिनट एक डायरेक्टली बोलता हूँ, जब मैं सिखाता हूँ ना ऑफलाइन क्लासेस में तो यहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी स्पेशली आई एम टारगेटिंग टू यू ऑल, जब तुम लोग ने पढ़ा रहेगा कहीं पर, अगर नहीं सुना है तो ठीक है यहाँ पर सुन लो, ऑफलाइन क्लासेस है अपना मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी, हाँ क्या तुम लोग मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन, ठीक है यहाँ पर एडवर्टाइजिंग बस हो गया, यहाँ पर इतना चीज समझो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये चीज क्लियर है, अभी देखो मैं खुद से क्रिएट कर रहा हूँ, खुद से बोलना चाहता हूँ क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने खुद से नोटिस किया ना तो एक बार अपने आप से पूछो क्या नोटिस किया, एक ही एस था हाँ या ना, एक ही एस था वो भी क्या हो गया शिफ्टिंग में था, एक ही एस था वो भी शिफ्टिंग में था, ऊपर वाला शिफ्टिंग नहीं था, ये शिफ्टिंग था उस शिफ्टिंग को हटाया साला, ये शिफ्टिंग था उस शिफ्टिंग को हटाया साला, ये इधर था इधर शिफ्टिंग नहीं है, इधर शिफ्टिंग था उसको हटाया, इधर शिफ्टिंग था उसको हटाया, अब देखो जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज साथ देना है वन टू थ्री फोर, यहाँ पर तुम्हारा अच्छा लिख लिया रहेगा मुझे लगता है, जो भी कर रहा हूं तुम्हारे सामने करूंगा इसी, समझ रहा है आठ नाइन, सर क्या करने वाले मोहब्बत से एस लिखो, मोहब्बत से एस लिखो, मोहब्बत से एस लिखो, सर मोहब्बत मत बोलो धोखा मिलता है, नहीं मोहब्बत छोड़ के तेल लगाने के मोहब्बत मत बोलो, ठीक है इतना चीज क्लियर है, बोलो यस और नो, यस और नो बोला प्लीज, चलो 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 बच्चा लोग बच्चा लोग प्लीज, देखो गलती होने का चांस होता है, यही देखो लेवल इंक्रीज हो रहा है, लेवल इंक्रीज हो रहा है, प्रीवियस छह सब में क्या था एस जो भी था वो सिर्फ शिफ्टिंग हो गया था और एक ही एस था, एक ही एस था, यहां पर देखना है, यहां पर देखना है क्या होने वाला है प्लीज, थोड़ा थोड़ा यार थोड़ा मैच्योरिटी दिखाओ, यहां पर क्या मैं बोलने वाला हूं, रुको 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 एक काम करता हूं, इफ इन केस मेरे से कुछ गलती होता है तो यहां पर बता दो, सर कैसे बताएंगे, अरे बता देना तुम लोग, ठीक है मैं तो खुद से क्वेश्चन बना रहा हूँ खुद से सॉल्व कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ मिसमैच हो जाए, लेकिन ट्राई करूंगा कि ना हो, हर बार मैं बोलता हूँ क्योंकि जब स्टूडेंट्स रहते हैं तो उनके सामने मैं बोलता हूँ चल मैं ये क्वेश्चन बना रहा हूँ क्या आएगा इसका आंसर, अच्छा तू राइट है, अच्छा मैं गलत हो गया भैया, ऐसा हो सकता है ना यार, हो सकता है यानी कौन सही है कौन गलत है वो तो बाद में मालूम पड़ेगा, पहले देखते हैं यहाँ पर क्या मैं बोल रहा हूँ, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर है, जरा देखो यहाँ पर देखो प्लीज प्लीज एस अपॉन एस स्क्वायर एस अपॉन एस कॉस स स स स मतलब ऊपर एस है तो कॉस आने वाला है, यस और नो, यस और नो प्लीज प्लीज यार थोड़ा ग्रो अप कर रहा है थोड़ा, यहां पर कॉस आने वाला है, अब यहां पर मुझे ये बता कॉस नॉर्मल आएगा या हाइपरबोलिक आएगा, सोचो ये हटाओ सर ये लाइन हटाओ ये लाइन हटाओ, अब अपने को खेलने का ये दोनों में, चलो देखते प्लीज, यहां पर प्लस आता है यहां पर माइनस आता है, अपना क्या है प्लस वाला फंड है, मतलब सर यहां पर कॉस 4t आएगा, ये बोलो यस सर cos 8t, सर इधर 1 by 4 नहीं आता ना, नहीं 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 पाप लग जाएगा तुम लोग अगर 1 by 4 लिखेगा तो, ऊपर वाला नीचे आके पाप देके वापस ऊपर जाएगा, क्या डायलॉग मार दिया, ठीक है यहाँ पर प्लीज, अब यहाँ पर तकलीफ कौन दिया, तकलीफ कौन दिया प्लस टू तकलीफ दिया तो उसको क्या करने का बताओ, क्या करने का बोलो, क्या करने का बोलो, हाँ सही 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 सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, इरेस टू माइनस टू टी लैपलास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, यस और नो बोलो बच्चा, बट गलत है ये, ऐसा कैसा सर, ऐसा कैसा बोल दिया आप गलत है, अरे बच्चा एक चीज मेरे को बताओ, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर जो देखा उसके लिए, जो नहीं देखा वेट करो वेट करो, फर्स्ट शिफ्टिंग वाला क्या बोलते हैं, देखो यहां पर बता देता हूं, अगर फर्स्ट शिफ्टिंग का फॉर्मूला देखने का ना, समझो यहां पर ई रेस टू ए टी है,
समझ रहा है, यहां पर समझो, यहां पर फॉर्मूला बना रहा हूं एक, समझो यहां पर कॉस 40 है, समझो समझो ऐसा कुछ तो फॉर्मूला है। तो इसका आंसर क्या था मालूम है, पहले तो कॉस 40 लेते हैं, उस पर फर्स्ट शिफ्टिंग मारते हैं, यहां पर चलो फर्स्ट शिफ्टिंग का मैंने नाम लिया, यहां पर माइनस 2 लिखा है, चलेगा ऐसे बता रहा हूं टाइम पास के लिए, यहां पर एक सम लिया, चलो कॉस 40 का आंसर क्या था, कॉस 40 का क्या था, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, ये चीज याद है। और यहां पर क्या है, शिफ्टिंग के लिए क्या करते हैं, माइनस 2 है तो एस प्लस 2 करते हैं। अगर तुम लोगों ने मेरा वीडियो देखा रहेगा तो प्लीज मुझे बताओ, एस प्लस 2 अपॉन में एस प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 16, क्या समझना क्यों ये गलत है। अरे भाई एक शिफ्टिंग किया दूसरा शिफ्टिंग नहीं किया, इसमें क्या बोलता हो, अगर तेरे पास शिफ्टिंग है ना तो दोनों में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो सर क्या करूं, ये गलत हो गया, इधर प्लस 2 चाहिए ना। हाँ या ना, अरे समझा कि नहीं, नहीं समझा, रुको 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 रुको, सबर रखो सबर रखो। अरे मेरे बोलने का मतलब भाइयों और बहनों, ये प्लस 2 है ना, प्लस 2 तेरे को तकलीफ दे रहा था, एस के आगे प्लस 2 है, लेकिन एक एस वाला तो बोलता मैं नंगा हूं भाई, समझ रहा है, मेरे को तो मिल रहा नहीं है, मैं क्या करूं, यहां पर अभी देख, यहां पर मुझे प्लस 2 में नहीं मिल रहा है, क्या करूं। अरे तू प्लस 2 बना, प्लस 2 बना, नहीं बना पाएगा, ये देख नहीं बना पाएगा तू, देख तू इंजीनियर है और तू बोल रहा नहीं बना पाएगा, प्लस 2 चाहिए ना, प्लस 2 माइनस 2, बोलो हाँ या ना, एस प्लस 2 द होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, प्लीज हाँ या ना बोला, मीनिंग चेंज होगा क्या, नहीं। अब इसका क्या कर, ब्रेकअप कर दे। सला मेरा हो गया था रे, बहुत तकलीफ हो गया था, बहुत तकलीफ हो गया था रे, क्या बताऊँ, तकलीफ हो गया था जब ब्रेकअप हो गया। अब लेकिन इसका ब्रेकअप करने में मजा है, अरे दूसरे का ब्रेकअप में मजा ही आता है यार, हाँ या ना बोलना है, समझ रहे, तो वही करना है इधर। एक बार तुमने इसका बैच मैनेज, अच्छा सुना, प्लस 2 ले ले, माइनस 2 ले, ठीक है। अब चल भाई ब्रेकअप कर दे, ब्रेकअप सर इन शॉर्ट मतलब क्या, एस प्लस 2 जो साथ में चाहिए था वो लिख ले, एस प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब यहां पर ये माइनस 2 अपॉन में एस प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, बोल हाँ या ना, समझा या नहीं समझा, हाँ या ना यार, मोहब्बत से यस और नो। अब देख काम हो गया, मतलब सर आप क्या बोलना चाहिए, लैपलेस इनवर्स सबको दे देता हूं, मतलब लैपलेस इनवर्स एस प्लस 2 एस प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहां पर ये माइनस, ये 2 को बाहर लेता हूं, हर बार मेरे को 2 कोएफिशिएंट होता है, 2 को कभी भी सॉल्व नहीं करना चाहिए। अब तुम लोग अपने आप से पूछो, ये क्या तुम लोग को लग रहा है पहला वाला क्वेश्चन बन गया था, क्वेश्चन नंबर 2 देखो यही था क्या, अरे हाँ या ना बोलो यार, मतलब सर आप ये बोल रहे हो ऊपर ऐसा आया और शिफ्टिंग आया, तो साला इसका हम लोग को प्लस 2 माइनस 2 करना पड़ेगा, और प्लस 2 माइनस करने के बाद अभी देखो, अभी इसमें से प्लस 2 दिख रहा है, अब ले शिफ्टिंग, अब ले मोहब्बत से, यो बेबी आओ, यहाँ पर एस, यहाँ पर एस स्क्वायर, यहाँ पर 4 स्क्वायर, यस और नो, यस और नो बोला, यस और नो, ये दिख रहा है क्या, अरे प्लस 2 हटा दिया ना, प्लस 2 इधर कभी उड़ा, इधर कभी उड़ा, सर एक का इधर का प्लस 2, इधर का प्लस 2, 4 हो गया, अरे पागल हो गया क्या, प्लस 2 एक ही शिफ्टिंग होता है, प्लस 2 इरिस टू माइनस 2 डी, यहां पर देखो एस कितना है, एस कितना है, एक ही ऐसे है, उसमें से ही कॉमन लेगा, यहां पर कितना था, 2 ऐसे, दोनों में सेम अमाउंट में शिफ्टिंग है क्या, हाँ या ना, तो तब कॉमन लेने का, ये चीज क्लियर होता है। मतलब सर आप ये बोल रहे हो माइनस 2 इसमें से इरिस टू माइनस 2 डी लैपलेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये चीज क्लियर होता है, यस और नो, यस और, अब हो जाएगा क्या, अरे यार मोहब्बत से बोलो इसका आंसर क्या आएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एस ऊपर है मतलब कॉस आएगा, नीचे प्लस है मतलब कॉस नॉर्मल आएगा, कॉस 40, ये चीज क्लियर होता है, माइनस 2 ई रेस टू माइनस 2 टी, इसका होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऊपर एस नहीं है कॉस, स नहीं है तो कॉस नहीं आएगा, और ऊपर एस नहीं है मतलब साइन आएगा, साइन में भी 2 आता है, एक नॉर्मल एक हाइपरबोलिक, यहां पर प्लस है मतलब नॉर्मल आने वाला है, साइन 80, साइन 80 भूलना नहीं, 1 अपॉन ए लिखना है, 1 अपॉन ए लिखना है, 1 अपॉन ए लिखना है, 1 अपॉन ए किधर कह रहे हैं, और एक इधर है, समझ रहे क्या बोलो, 1 अपॉन ए मतलब 1/4, बोलो यस और नो। तो सर आप क्या बोलना चाहते हो, इसका आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 1 2 2, बोलो हाँ या ना, तो इसका आंसर आएगा ई रेस टू माइनस 2t को कॉमन ले लिया बच्चे लोग, कॉस 40 माइनस 1/2, बच्चा देखो ना ये 2 और यहाँ पर 2, ई रेस टू माइनस 2t को तो भाग लिया साइन 40, क्या बात है यार, मजा आ गया, मजा आ गया यार, यस और नो बोलना है, समझा कि नहीं समझा, सर नहीं समझा, तेरे पास और एक ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, नहीं समझा तो तुम्हारे पास एक और ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर तुम लोग साथ दोगे तो प्लीज सम को यहां पर क्या था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सम को प्लीज इसे सम को वापस करने का क्या था, इतना चीज क्लियर हो गया, ये आठवां क्वेश्चन हो गया, प्लीज एक काम करो यहां पर क्या करोगे, प्लस 2 है ना, प्लस 2 यहां पर एक काम करो, ठीक है यहां पर, अच्छा पहले ये कॉपी कर लिया रहेगा, वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो, मैं बाजू हट गया, स्क्रीनशॉट मार रहेगा तो स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है डन, चलो यहां पर
प्लीज क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। देखो सेम वापस लिख रहे हो सर? हाँ लिख रहा हूँ मैं, वापस लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को फील आना चाहिए यार, कि ऐसा नहीं कि सर बार बार सिर्फ एडिट कर रहे। नहीं नहीं एडिट नहीं करना चाहता। सामने यहाँ पर समझो -2, क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, रिक्वायरमेंट क्या है बच्चा? तू सोच रहा है कि ई रेस्टू टू टी को बाहर ले? अरे पागल, अभी इतना सीखा है, मेहनत क्या करेगा, फिर मेरा मेहनत वेस्ट कर देगा तू यार। यहां पर -2 है, यहां पर एस के आगे -2 है, तो ऊपर भी -2 चाहिए ही ना, ऊपर भी -2 चाहिए, तो क्या करेंगे, लेकर आएंगे कैसा, -2 + 2। वाओ वाओ, अरे बस सर समझ गया अभी क्या करने वाला, लैपलेस इनवर्स हो सर, इसके बाद ब्रेकअप करना है ना। अरे यार बोल दो यस और नो, मीनिंग चेंज हुआ क्या, मीनिंग चेंज हुआ क्या कुछ? +2 / में s + 2 द होल स्क्वायर +4 स्क्वायर। वाह 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 वाह, मजा आ गया मजा आ गया। अब ये लैपलेस इनवर्स अंदर देना, ये लैपलेस इनवर्स अंदर देना। अच्छा एक इंजीनियर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो उसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? अरे छोड़ दे सर, नहीं 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 ये सारा बहुत मुश्किल से याद हो रहा है, और आप एडिशनल ऐड करो लीनियरिटी ना पापा, ना ना हमसे ना हुई, हमसे ना हुई, यही करो, ये अंदर मल्टीप्लाई करो। लैपलेस इनवर्स हो s - 2, ये s - 2, यहाँ पर क्या लिखा है s - 2, यहाँ पर s - 2 आएगा ना, s - 2, यहाँ पर कहेगा s - 2, यहाँ पर कहेगा s - 2। वेरी गुड वेरी गुड बच्चा, चलो थोड़ा साथ दो यार, थोड़ा साथ दो, थोड़ा साथ देना है, साथ दो, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। यहाँ पर ये हो गया, +2 को तो बाहर लेंगे, कोएफिशिएंट होता है क्या? यहाँ पर क्या बचा, 1/(s - 2) द होल स्क्वायर +4 का स्क्वायर। थोड़ा वेट करो, एस दिखता है? हाँ दिखता है, दोनों एस के आगे सेम अमाउंट में शिफ्टिंग, हाँ, तो इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, ई-रेश्यो -2 है तो यहाँ पर कहेगा 2t s / s² + 4 का स्क्वायर। वेरी गुड सर जी, वेरी गुड वेरी गुड सर जी, आई लव यू। हाँ ठीक है, यहाँ पर -2 को क्या आएगा, e^2t, लैपलेस इनवर्स। बताओ ये माइनस गया तो इधर क्या बचेगा, माइनस गया तो एस बचेगा, और इसके ऊपर का स्क्वायर +4 स्क्वायर, एंड दिस इज वॉट आवर आंसर। अब मत बोलो सर इसका क्या आएगा, इसका नहीं आएगा, तुम लोगों सोचो अपने मन से, पूछो कि सर का मेहनत वेस्ट करोगे क्या तुम लोग, आधी रात को बैठ के इधर शूट कर रहा, और तुम लोग सोचोगे कि नहीं 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 चलो टाइम पास के लिए वीडियो देख लेते। नहीं नहीं ऐसा मत करो प्लीज, अगर वीडियो देखना टाइम पास के लिए तो देखो यार अलग अलग, समझ रहे हो? यहाँ पर s / s² + 4, 1/(s² + 4। नाउ प्लीज थोड़ा सोचो, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आएगा, कॉस का नॉर्मल वाला या हाइपरबोलिक वाला? नॉर्मल वाला। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आएगा, साइन का? ये चीज क्लियर होता है? उसके बाद सेम फंडा, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि तुम लोग कर सकते हो, हाँ या ना बोलना है प्लीज, यस और नो? चलेगा चलेगा ठीक है। अच्छा पहले इसको कॉपी कर लो, मैं तो बाजू में ही हूँ ताकि तुम लोगों को कॉपी करने के लिए मौका, वीडियो को पॉज कर देना, मेरे को बार बार जाने आने का नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने जो भी करूँ, बुक कुछ नहीं है यहाँ पर, जो भी करूँ तुम्हारे सामने तुम लोग को फील आना चाहिए कि यस जो भी कर रहे हैं हम लोग को मजा आ रहा है, ये चीज़ क्लियर कर लो, हाँ या ना? चलो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने कॉपी किया, चेंजेस करूँ, क्वेश्चन चेंजेस करूँ क्या? अरे हाँ या ना बोलो यार, क्वेश्चन चेंज करो सर, क्या कर रहे हो, क्वेश्चन क्या चेंज कर रहे हो? चलो 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 यार, यार इतने इतने में तुम लोग थक जाओगे तो कैसा चलेगा, इंजीनियर हो तुम लोग फ्यूचर के, समझ रहे हैं? अपने को ईटा ईटा उठा उठाने का नहीं, अपने को एसी में बैठ के एकदम मस्त कंप्यूटर के साथ कॉफी ला रहे ऐसा वाला करने का, वो चीज़ है सब, हमारी फीलिंग ये होनी चाहिए। हाँ और जो मतलब जो गरीब रहेगा उसको ऊपर अत्याचार मत कर देना, चलो भाई पैर मीच, पैर दबा, गला दबा, गला दबा देगा वो सही रहेगा, गला दबाने बोलना, अगर पैर दबाने बोलेगा तो ठीक है। यहाँ पर चेंजेस 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 इंपॉर्टेंट है भाई, चेंजेस इंपॉर्टेंट है, लाइफ में सब कुछ होना चाहिए। यहाँ पर माइनस लिख दिया, अरे बाबा क्या बता ही रहे, कैसे आ गए ये क्वेश्चन? चलो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता हूँ, पक गया मैं बार बार एक ही चीज लिख के। +2 रेडियो, रेडियो रेडियो, अरे वाह रेडियो मिर्ची, मैंने बोला रेडियो और उसने बोला रेडियो, ठीक है चलो, बहुत गंदा जोक मारता है सर तुम। यहाँ पर क्या करे, मेरे को लगता है ना अत्याचार हो रहा है यहाँ पर, अगर सिर्फ एस, यहाँ पर देखो एस नहीं होता तो मेरा काम हो जाता, मैं डायरेक्टली +3 को बाहर लेता, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एस के आगे +3 है तो इसके आगे भी +3 होना चाहिए। अरे लिखना यार मोहब्बत से, तेरा क्या जा रहा है भाई, s + 3 - 3, बोलो हाँ या ना, s + 3 द होल स्क्वायर, इसके आगे का डायलॉग बोलो क्या करने का, जो दूसरे का तोड़ने में मजा आता है। ब्रेकअप यार, ब्रेकअप ब्रेकअप किंग, s + 3 / s + 3 द होल स्क्वायर -4 स्क्वायर। वेरी गुड सर, -3 एक ही स्टेटमेंट में लिखोगे यार, कुछ जबरदस्ती मेहनत करा रहे तो गरीब से, हाँ बद्दुआ लगेगा मेरा, समझ रहा है तुम लोग को? यहाँ पर एक काम करता हूँ, -3 को बाहर लिखता हूँ, लैपलेस इनवर्स ऑफ 1/(s + 3) द होल स्क्वायर -4 स्क्वायर। अरे वाओ सर, एक्सपीरियंस मैटर करता है यार, अभी तुम लोग के पास भी एक्सपीरियंस हो गया, हाँ क्या इससे मत बोलना। चलो ये देखो +3 दिख रहा है, +3 दिख रहा है, वाह खत्म यार खत्म खत्म, इसको हटा, ई रेश्यो -3t,
लैप्लस इनवर्स ऑफ, प्लस थ्री गया मतलब यहाँ पर क्या बचा, प्लस थ्री गया तो ये बचा नंगा बेचारा, एस बचा। ए चल तेरी वाइफ तो बाहर चलेगा यार, तू अकेला रे, इधर एस स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर, बोलो यस और नो। यहाँ पर एस कितना दिख रहा है, एक ही दिखता है, उसके आगे प्लस थ्री है, उसको दूर करो, प्लस थ्री, यस और नो। यहाँ पर माइनस थ्री हो गया, लैप्लस इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर। अभी बोलो इसका आएगा या नहीं आएगा सर, इसका आंसर क्या आएगा? अच्छा ऊपर ऐसे कॉस आएगा सर, सेट खराब कर दिया रे, छोड़ जाने दे। यहाँ पर एस क्या है, ऊपर है या नीचे, एस एस ऊपर है तो कॉस आएगा। अब मुझे बोलो कॉस में हाइपर आएगा या नॉर्मल आएगा, नीचे देखो माइनस दिखता है तो यहाँ पर क्या आएगा, हाइपर आएगा। तो सर इसका आंसर क्या आएगा, ई रेज़ टू व्हाट माइनस थ्री टी कॉस हाइपरबोलिक ए टी, ए ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर फोर टी, बोलो समझते हैं यहाँ पर माइनस थ्री ई रेज़ टू माइनस थ्री टी। चलो इसका बताओ ऊपर ऐसे क्या नहीं है, मतलब ये साइन आएगा, साइन में भी दो चीज होता है, एक नॉर्मल एक हाइपर। देखो माइनस है क्या, हाइपर आने वाला है, हाइपर मतलब क्या है, साइन हाइपर ए टी वन अपॉन फोर आना चाहिए। अगर तुम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए रेस टू माइनस थ्री टी कॉमन लेना, ए रेस टू माइनस थ्री टी कॉमन लो, ये सब मेरा बेसिक सम्स है। ये सब सब क्यों करा रहे सर, हम लोग को इतना नहीं बताते बेसिक्स में? अरे नहीं बताते, मैं बता रहा हूँ, समझ लो बच्चा, मेरे को इन्वर्स अगर कंप्लीट चाहिए ना तो ये सब आना चाहिए। इसके बाद तुम लोग को बोलो अरे सर ये तो चिंदी है चिंदी है चिंदी है चिंदी, एग्री कर रहे हो? यस बोलो, प्लीज इसको भी कॉपी कर लो। अरे यार ये कितवा समझा पता नहीं, हाँ क्या मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है कितवा समझा वो पता नहीं, ठीक है कॉपी करो, डन प्लीज। चलो आगे आगे, वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है। क्या दो अभी, क्या दो यार, चलो कुछ और देते हैं चलेगा। तुम लोग बोलो, तुम लोग बोलो, कैसे बोलोगे यार, शिट यार मजा तो छोड़ो, चले तुम लोग नहीं बोलोगे चलेगा, बोलो तभी भी चलेगा। एक फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, ये देखो ये छोड़, अरे ये भी हटाओ ना यार, यो 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 डिच्चू 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 जाने मन तू खूब है तू, छोड़ो जाने दे। यहाँ पर अभी क्या होएगा, हाँ ठीक है ये वाला क्वेश्चन लो, लैप्लस इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस टू के पावर में थ्री है। चलो इसका बता, अच्छा पहले ये देखो ये बेसिक्स फॉर्मूला, जल्दी मिट मिट मिट, लैप्लस इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस रेस टू थ्री, प्लीज बताओ दो फॉर्मूला है तुम्हारे पास, ये दिख रहा है यहाँ पर एस रेस टू एन, यहाँ पर एस रेस टू एन प्लस वन, यहाँ पर अरे नहीं दिख रहा तभी भी बोलने का यार, प्रीवियस वीडियो में हो चुका है अपना और फॉर्मूला रटा चुका है, नहीं याद है तो देखो यहाँ पर लैप्लस इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस रेस टू एन का तुम लोग को मैंने बताया था क्या करने का, टी रेस टू एन माइनस वन एन एन माइनस वन का फैक्टोरियल, वेरी गुड समझता है। चलो इसका बताओ इसका क्या होगा, टी रेस टू एन माइनस वन मतलब टू हो गया, बोलो हाँ या ना, टू हो गया अपॉन में टू का फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल इज टू, बोलो यस और नो, हाँ या ना। तो अभी बस इधर से खेल चालू करते हैं, अब चलो स्टार्ट, लैप्लस इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस थ्री यहाँ पर के पावर में, चलो यहाँ पर फोर लिखता हूँ और यहाँ पर थ्री लिखता हूँ। पहले चीज तो ये शिफ्टिंग दिख रहा है हाँ या ना, शिफ्टिंग दिखता है क्या तुम लोग को, यस और नो बोलना है, यस ठीक है। अगर दिख रहा है तो मेरे को एक बात बताओ ना, एक बात बताओ ना, शिफ्टिंग को हटाओ, शिफ्टिंग प्लस फोर, एक ही एस फोर दिख रहा है, एक ही प्लस फोर दिख रहा है, एक ही एस दिख रहा है और उसके आगे शिफ्टिंग है, दूसरा एस होता तो देखता मैं मैनेजमेंट करने का ट्राई करता, रुको जरा सबर रखो, एक काम करो यहाँ पर, एक काम करो बच्चा उसको हटाओ, इरेस टू व्हाट माइनस फोर टी बचा, लैप्लस इनवर्स ऑफ वन अपॉन ये प्लस फोर तो गया तो एस बचा और यहाँ का थ्री, ये चीज क्लियर होता है, प्लीज इसका आंसर बोलो, इरेस टू व्हाट माइनस फोर टी हाँ या ना, और वन अपॉन एस रेस टू थ्री का मतलब क्या होता है, वन अपॉन एस रेस टू थ्री का मतलब क्या होता है, वन अपॉन एस रेस टू थ्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सर ऊपर दिखा ना टी स्क्वायर अपॉन में टू, नहीं समझा नहीं समझा, रुको 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 रुको, रुको यार टेंशन मत लो, वन अपॉन एस माइनस फाइव के पावर में, समझो 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 एस माइनस फोर, यहाँ पर टू लिखा है और यहाँ पर फाइव लिखा है, ठीक है एक काम करो सर, शिफ्टिंग हटाओ, शिफ्टिंग हटाओ, ये शिफ्टिंग माइनस टू है तो इस सेट क्या होगा, ए रेस टू टू टी, लैप्लस इनवर्स माइनस टू गया, माइनस टू उड़ गया, माइनस टू गया तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ एस बचा और यहाँ पर फाइव, अरे सर जी ई रेस टू टू टी अपॉन में क्या आएगा, एस रेस टू फाइव मतलब टी रेस टू फाइव माइनस वन मतलब फोर अपॉन में फोर फैक्टोरियल, और फोर फैक्टोरियल क्या होता है, चौबीस, फोर इंटू थ्री इंटू बराबर है क्या, थ्री इंटू टू बराबर है चौबीस, मतलब सर इसका आंसर है ई रेस टू टू टी टी रेस टू फोर अपॉन में चौबीस, बोलो हाँ या ना, ये चीज क्लियर होता है। चलो एक चीज बताता हूँ तुम लोगों को, एक चीज बताता हूँ जो तुम लोग को ऑलरेडी आंसर पता है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने तुम लोग को डायरेक्टली बोला वन अपॉन एस माइनस फोर, तुम लोग डायरेक्टली लिखते हो याद आ रहा है,
माइनस फोर है तो तुम लोग क्या लिखते मालूम है, ई रेस टू फोर टी। बोलो दिल पे हाथ रख के बोलो यस और नो, यस और नो, दिल पे हाथ रख के बोलो यस और नो। हाँ तो ठीक है, अभी अल्टरनेट देखो इसका मीनिंग क्या होता है, कंसेप्ट चाहिए ना, कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ भाई, कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ, कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ वन अपॉन एस माइनस फोर के पावर में क्या है वन है? बोलो हाँ यार, कुछ मीनिंग चेंज हो गया नहीं, वो माइनस फोर को हटा तो इसका क्या ई रेस टू फोर टी और बचा गया लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस के पावर में वन बचा। बोलो हाँ यार। अरे समझा कि नहीं समझा, माइनस फोर को ऊपर लेके गया। अब देखो यहाँ पर मोहब्बत से आंसर देखो, ई रेस टू फोर टी और यहाँ पर वन अपॉन एस रेस टू वन, वन अपॉन एस रेस टू एन मतलब टी रेस टू एन की जगह पे देखो वन है तो एन माइनस एन अपॉन में एन माइनस एन का वन का फैक्टोरियल, तो इसका आंसर क्या है ई रेस टू फोर टी और यहाँ पर है टी रेस टू जीरो एंड ये इट इज वॉट जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल क्या होता है पागल, जीरो नहीं होता है वन होता है यहाँ पर, और टी रेस एनीथिंग रेस टू जीरो इज वॉट पागल, जीरो नहीं होता वन होता है, मतलब टी रेस टू जीरो इज वन, जीरो फैक्टोरियल इज वन, तो आंसर क्या है ई रेस टू फोर टी। ये समझा हाँ या ना? बच्चे लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते, साला है क्या ये वाला ध्यान देते, क्लियर होता है हाँ या ना? तो चलो इसका आंसर बताओ, अगर यहाँ पर प्लस फोर रहेगा तो क्या लिखोगे डायरेक्टली तुम लोग माइनस फोर, ये चलेगा डायरेक्टली लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट क्या होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। साला शिफ्टिंग को तू बाहर लिया, बचा हुआ माल को वापस इन्वर्स करना पड़ेगा और शिफ्टिंग हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, समझा हाँ या ना? चलो इसको कॉपी कर लो। सो गाइस अभी इसके अंदर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर ही तुम्हारे सामने जो भी करूंगा तुम्हारे सामने करूंगा तो अच्छा रहेगा, बरोबर है? अब तुम लोग को याद होता रहेगा आशीष सर क्या करने वाला है, किसी को फील आ रहा है क्या करूंगा, कोई तो बोलो यार, कोई तो बोलो यार क्या करने वाले आशीष सर, कुछ तो करने वाला झोल झपाटा, कुछ तो करने वाला झोल झपाटा जिसको बोलते हैं, नहीं समझा? देखो अभी प्लीज, यहाँ पर मैंने लिखा क्वेश्चन में एस डाल दिया, अब तुम लोग ई रेस टू माइनस फोर्टी लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते बच्चा, क्यों नहीं सकता सर? अरे एस प्लस फोर है, ऊपर एस प्लस फोर है क्या? नहीं है, लेकर आ सकता है क्या? हाँ, कैसे कर सकता है? अरेंजमेंट करके, क्या अरेंजमेंट? प्लस फोर माइनस फोर। बोलो यस सर। तो सर इसको मतलब हम लोग ऐसा लिखेंगे क्या, एस प्लस फोर माइनस फोर अपॉन में एस प्लस फोर का क्यूब। बोलो यस सर। हाँ या ना? सर इसके बाद ब्रेकअप करना, हाँ ब्रेकअप करना है बच्चा, ब्रेकअप करना है, ब्रेकअप करना है सर। लैपलास इनवर्स ऑफ एस प्लस फोर एक साइड चाहिए, बरोबर है, एस प्लस फोर के पावर में क्यूब, यहाँ पर माइनस फोर अपन में एस प्लस फोर के पावर में क्यूब। थोड़ा ना दिल दिमाग रख के सोचो मैंने क्या बोला। यहाँ पर देखो ये एस प्लस फोर कैंसल, एक बचेगा, लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस फोर के पावर में स्क्वेयर बचा। वाह, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कुछ कट रहा नहीं है तो ठीक है, यहाँ पर अपने लाइफ में बहुत कुछ कट चुका है ना, ठीक है तो छोड़ के गई यार, क्या करूँ अभी, गई तो गई, जाने दो। यहाँ पर आगे बोलो, इसके अंदर फेंकना पड़ेगा यस और नो? तो लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस फोर के पावर में स्क्वायर, चलो 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 ये अंदर जाएगा, माइनस फोर का कुछ नहीं होता है क्या, माइनस फोर का कुछ नहीं होता ये चीज याद रखना, वो कोई विषय एक है बरोबर है, और यहाँ पर क्या बचा वन अपॉन एस प्लस फोर के पावर में थ्री। अब इसका आंसर तो आ ही जाएगा, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, प्लस फोर माइनस फोर ठीक है, प्लस फोर इसको ब्रेकअप करके इसका 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 कट गया, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर इसका इसका ठीक है। चलो आगे प्लीज, अब मुझे बोलो इसका, इसमें से देखो इसका पार्ट, इतना पार्ट देखो, इसमें से सिर्फ एक ही हेल्स दिखता है, वो भी प्लस फोर शिफ्ट है, तो ई रेस टू माइनस फोर टी डायरेक्टली लिख सकते हो, और लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन प्लस फोर गया तो यहाँ पर क्या बचा वन अपॉन एस स्क्वायर। बोलो यस सर, यस सर। माइनस फोर इसका बताओ ई रेस टू व्हाट, माइनस फोर टी आएगा, लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस क्यूब। नाउ इसका आंसर अभी तुम लोग को आना चाहिए प्लीज, हाँ चीटिंग नहीं करना चाहिए, फॉर्मूला लिखाओ ई रेस टू माइनस फोर टी, तुम लोग को तो डायरेक्टली बताना क्या करने वाले हो, टी टू है तो यहाँ पर वन लिखने का अपॉन में वन फैक्टोरियल, ये चीज समझा आया ना? थ्री है तो यहाँ पर क्या लिखने का, टी रेस टू टू लिखने का अपॉन में टू फैक्टोरियल, ये चीज क्लियर होता है। अब इसके आगे तो सॉल्व हो जाएगा यार, क्या करना, अरे सॉल्व सर कैसे कर दिया, ई रेस टू माइनस फोर टी टी रेस टू टी के पावर में वन, तो टी आएगा, टी इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है, वन फैक्टोरियल वन ही होता है, माइनस फोर ई रेस टू माइनस फोर टी और यहाँ पर टी स्क्वायर अपॉन में टू, टू आया, टू फैक्टोरियल इज टू, टू वन जा टू टू जा, ये चीज क्लियर कर लो, ये आंसर है, ये आंसर है, ये चीज क्लियर हो गया यस और नो? देख लो मैच करने का, तुम लोग खुद से स्टॉप करने का वीडियो और समझना चाहिए, ये सब चीज है ना एक बीएससी स्टूडेंट को बहुत आते हैं, नॉर्मल जब मैडम सिखा दिया ना तो ऐसे ऐसा आता है और बच्चे लोग गम में डूब जाते हैं, साला ऐसा लगता है कि एक बार लड़की छोड़ के गई तो चलेगा, ये तकलीफ देता ना इतना, अरे इससे प्यार करो, प्यार करो देखो तकलीफ देगा नहीं, ये कभी तकलीफ, ये कभी तेरे को छोड़ेगी नहीं, ये चीज़ याद रखना, समझ रहा? हाँ तो इसको अगर प्रैक्टिस नहीं किया रहता ना यार, तू गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को अगर तुम लोग केयर सेक्रीफाइस जो भी रहता है तुम लोग का अफेक्शन लव केयरिंग वगैरह नहीं किया तो छोड़ के जाती है, और क्या करेगी, क्यों छोड़ती है, फिर दूसरे के पास भाग जाएगी या भाग जाएगा,
क्यों आ गया, तुम लोग उसको लव नहीं दे पाता ऐसे ही। इसको अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं किया ना तो ये तेरे को छोड़ के जाएगा, ये फिर तेरे को धोखा देगा। तो एक काम करो, रेगुलर इसको प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। इतना चीज समझा? हाँ यार, एक दो समय और ले लूँ ताकि तुम लोग को लगे यार कुछ तो हम लोग कर रहे हैं। इनवर्स लैपलेस का अभी तक मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया था। प्लीज प्लीज, यहाँ पर दो वीडियो कंप्लीट होने वाला है, 50-50 मिनट का, 40-40 मिनट का। अभी तक आशीष सर ने वीडियो चालू नहीं किया, जो एक्चुअल सिलेबस होता चालू नहीं किया। याद रखना, मैंने बोल रहा हूँ, वंस तुम लोग अगर एक बार प्रैक्टिस हो गया ना तो इसके बाद तुम लोग फैमिलियर हो जाओगे। समझ रहा क्या बोल रहा हूँ? हाँ, एक चीज बता सकता हूँ यार, मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, ऐसा मेरे को ऐसा दिल से लग रहा है कि इतना बेसिक्स नहीं दिया रहेगा किसी ने। ये बेसिक्स वीडियो है, दो वीडियो बेसिक्स वीडियो, उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। समरा टॉपिक वन टॉपिक टू जो भी रहेगा, ठीक है। रुको, एक काम करते हैं, उस तो ले करते यार, सॉल्व भी करते, चलो देखते हैं। मज़ा आ रहा है या नहीं? हाँ या ना, मज़ा आ रहा तो प्लीज़ एक बार क्या करना वालों में, लाइक करना है यार वीडियो को। और पहले तो बोल दिया, मुंबई यूनिवर्सिटी तुम लोग डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्सेस कुछ लॉन्च नहीं किया, इतने बड़े आदमी नहीं हम लोग, समझ रहे। ऑफलाइन अगर आने का है तुम लोग को मेरे पास से मैथ 3 BSc वगैरह जो भी सीखना रहेगा तो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट, इंस्टाग्राम का आईडी दिया है सर, मुझे आपके पास आने का। अच्छा, ब्रांच किधर है सर? विक्रोली, मुंबई में मेन विक्रोली। चाहे तो थाने से आ सकते हो, चाहे तो दादर से आ सकते हो, किधर से भी आओ, विक्रोली में अपना क्लास है। क्लियर हो रहा है? ये चीज क्लियर कर लो, ठीक है। नाउ यहाँ पर प्लीज प्लीज एग्री कर, अभी कुछ और बात होना चाहिए, कुछ और बात होना चाहिए। पग गया, मैं एक ही चीज बार बार सिखा सिखा के सर, पग गया। लैपलास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस प्लस टू द होल स्क्वायर माइनस 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 3 का स्क्वायर। सर क्या पोपट बना रहे हो सर? हाँ, आप पोपट बना रहे हो, यही सब वापस करा रहे हो आप, यही सब वापस करा रहे हो क्या? मुझे मालूम पड़ेगा इसका क्या होने वाला है। सर एक ऐसे इधर दिखता है, एक ऐसे इधर दिखता है, मैं बताऊँ सर? हाँ बता बच्चा, मैं क्या करूंगा सर मालूम है? प्लस टू माइनस टू करूंगा और उसके बाद ब्रेकअप करके खत्म कर दूंगा। बच्चा सुन, अभी क्वेश्चन में चेंज कर दे रहा हूँ, देख यहाँ पर मैंने लिखा प्लस 4। बाबा का वायरे, ये क्या हो गया? क्वेश्चन चेंज, प्लस 4 दिया क्वेश्चन में, मैंने प्लस 4 दिया और मुझे क्या चाहिए था मुझे बताओ? यहां पर दो एस दिख रहा है, दोनों साला शिफ्टिंग में दिख रहा है। प्लीज प्लीज यहां पर प्लीज एवरीवन एवरीवन, यहां पर ये भी शिफ्टिंग में दिख रहा है, ये भी शिफ्टिंग में दिख रहा है। अब मैं करूं क्या? करूं तो करूं क्या? ऐसा डायलॉग सुना है क्या? यहां पर सुनो ना, तुम लोग को मैंने बोला था इधर प्लस 2 दिख रहा है तो ऊपर प्लस 2 चाहिए, नहीं है तो बनाओ। कैसे बनाऊंगा सर? कैसे बनाऊंगा? नहीं बनाने आता तेरे को, तेरे को बनाने नहीं आता। तू अपने आप से पूछ, तू इंजीनियर बनने वाला है और तू अगर बोलेगा कि ऊपर प्लस 2 नहीं बनाने आता तो फिर तू मेरा नाम डुबा देगा यार। प्लस 2 बनाएगा ना? देख, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? एस प्लस 2 माइनस 2, ये लिखा और आगे का एज इट इज। क्या बात करूं सर? अरे सर तब तो ईजी हो गया, ये तो पहले वाला सम हो गया। अरे ये सुनो, एस प्लस 2 लिखो साथ में और ये माइनस 2 प्लस 4 क्या होता है? माइनस 2 प्लस 4 क्या होता है? प्लस 2 ही होते ना। ये सुनो, मुझे मालूम है तुम लोग में से कोई कोई है ना बहुत दिमाग वाला इंसान, बोलता सर प्लस टू तोड़ो ना, डायरेक्टली होता नहीं। नहीं नहीं, मेरा पैटर्न तेरे को याद रखना है तो रख, बहुत काम आने वाला है तुम लोग को लाइफ में, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। प्लीज ये चीज क्लियर है? हाँ या ना बोलो, यस सुनो। अगर नहीं समझते तो चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको लिखा फाइल लिखा तो क्या चाहिए मुझे? मेरे को क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? प्लस 2 चाहिए ना। मैं प्लस 2 लेकर आया, माइनस 2 लिखा और आगे क्या लिखा? प्लस 5। अब समझा तुम लोगों? यस और नो? यस और नो? प्लस 2 यहाँ पर क्या लिखा? प्लस 3। ये चीज क्लियर हो गया? अब मैं क्या करूंगा? इसका ब्रेकअप करूंगा। अब इसका मैं ब्रेकअप करूंगा, प्लीज साथ देना। ब्रेकअप कौन सा करना है? ब्रेकअप कौन सा करना है? एस प्लस 2 वाला साथ में लिख लो, लैपलास इनवर्स ऑफ एस प्लस 2 वाला साथ में। यहाँ पर एस प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और यहाँ पर क्या? प्लस 3 अपॉन में एस प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बोलो यस और नो? अब क्या करना है? ये लैपलास इनवर्स को अंदर फेंकना है, लैपलास इनवर्स को अंदर फेंकना है तो क्या करूंगा सर? अरे फेंकना तो ऊपर वाले का नाम लेके यार, तो एक बार फेंकना तो स्टार्ट कर, समझ रहा है? आजकल ऐसे होता है कुछ कुछ पॉलिटिक्स में। प्लस 3 लैपलास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बोलो यस सर? इधर एस दिखता है? हाँ दिखता है सर, दोनों सेम अमाउंट में शिफ्टिंग हो रहा है। यस सर, स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2। तो एक काम करना, ई रेस टू माइनस 2 टी लिख, लैपलास इनवर्स ऑफ एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बोलो यस सर? यहाँ पर प्लस 3 लिखो, इसका क्या होगा? ई रेस टू माइनस 2 टी लिखेंगे, लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बोलो यस सर? हाँ या ना? इतना चीज क्लियर हो गया? नाउ प्लीज यहाँ पर ई रेस टू माइनस 2 डी, ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? साइन या कॉस? ऊपर ऐसे तो कॉस लगेगा और नीचे प्लस है तो हाइपरबोलिक नहीं लगेगा, नॉर्मल वाला लगेगा। हाँ या ना बोलना है? यस और नो? यस और नो? तो आएगा क्या? ई रेस टू माइनस 2 टी। बोलो यहाँ पर क्या आएगा? कॉस 3 टी। बच्चा बोल यस और नो यार, मोहब्बत से बोल हाँ या ना। यहाँ का प्लस सर, प्लस लिखो फिर, प्लस 3 ई रेस टू माइनस 2 टी, ई रेस टू माइनस 2 टी। बोलो यस और नो?
ऊपर ऐसे क्या नहीं है, मतलब साइन लगने वाला। साइन में भी दो टाइप, एक नॉर्मल एक हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक वाला बोलता है नीचे माइनस होना चाहिए, अरे साला माइनस है ही नहीं, तो क्या है नॉर्मल वाला, तो साइन 3t। बोलो यस और नो। अरे बच्चा भूल मत जा, 1/3 भी करना है, और ये 3 3 गया गाओ, समझ गया? यस और नो। कॉस 3t प्लस e^-2t साइन 3t। अब इसमें से तुम लोग e^-2t को कॉमन ले सकते हो, समझा ये चीज? क्या क्या देखो, इधर कुछ भी होने दे, मेरे को इससे खेलना नहीं है, मैं हमेशा मेरा नीचे वाले जैसा बनाना चाहता हूँ, समझ रहा है? प्लस टू चाहिए तो प्लस टू लेकर आऊंगा, प्लस टू किया माइनस टू कर दिया और प्लस फाइव, मीनिंग चेंज नहीं हुआ बच्चा, ये चीज क्लियर होता है? हर बार मेरा पैटर्न ही यूज करो प्लीज, एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों को फैमिली ईयर बनाने का, मेरे जैसा मतलब इनवर्स में जो कमांड होता है ना, अरे तुम लोग को बताओ ये सब गेट वगैरह में होता है, गेट वगैरह में भी यूज होता है। हाँ तो ये चीज क्लियर करो, प्लस टू माइनस टू ठीक है, यहाँ पर क्या माइनस टू प्लस थ्री करेगा तो यहाँ पर प्लस थ्री होता है, तो ब्रेकअप कर दिया मैंने, ये चीज क्लियर होता है? यहाँ पर इसको क्या कर दिया प्लस थ्री, यहाँ पर प्लस थ्री को बाहर लिखा, मुझे हर बार ये मत देखो इधर क्या है इधर क्या नहीं, उसको बाहर फेंको, समझ रहे? यहाँ पर प्लस टू दिखता है तो इसको सेपरेट कर दो, यहाँ पर प्लस टू एक ही दिखता है तो इधर सेपरेट कर दो, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, ऊपर लिखा है, समझता है चीज? यस और नो। चलो एक काम करोगे छोटा सा बोलो हाँ यार, अरे बोलना यार मोहब्बत से बोलो, लिखा रहेगा वीडियो को। एक काम करो, अगर तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं मिला मैंने डायरेक्टली कर दिया यहाँ पर रफ कर दिया, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, क्या करना है तुम लोगों को मालूम है? क्या करना है, वीडियो को बैक करके पॉज करो। अभी मैंने क्वेश्चन चेंज, सर क्या कर रहे हो सर, लेवल बढ़ाते जा रहे हो सर, आप अन्याय कर रहे हो बच्चे पे। अरे अन्याय नहीं कर रहा, इसको सिखाना बोलते यार, समझ रहे? वही बच्चा बच्चा अगर सब यूट्यूब वाले सेम ही कंटेंट सिखाएगा तो मतलब ही क्या? तुम लोग के सामने जो कर रहा हूँ इधर सामने भाई, जो है तुम्हारे सामने, मेरे सामने कुछ नहीं। तुम लोग को लेवल इंक्रीज करूँ तो बोलो और इंक्रीज कर दूंगा, रुको जरा सबर रखो मैं करता हूँ। यहाँ पर वो तकलीफ है सर लाइफ में, सर सच में, एक तो वो छोड़ के चले गई उसका तकलीफ, वो किसके पास गई उसका तकलीफ अलग है, समझ रहे? ये सब चीज तकलीफ। अरे गया गया, तू इधर से देखना इधर क्या चल रहा है, इधर देख इधर देख इधर देख, पहले चीजों को समझो, जो आशीष सर का डायलॉग है वो चीज समझो। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, ऊपर एस प्लस टू चाहिए है क्या? नहीं साला, पहले तो ये टू नहीं था, मैं प्लस टू माइनस टू लाया, अब ये टू तकलीफ दे रहा है। तो सर आज के बाद तुम लोगों को याद रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ एस ऑलवेज वन एंटायर लाइफ में लिख के रखने का। क्या बोल रहे सर? मैंने बोला कोएफिशिएंट ऑफ एस हमेशा वन होना चाहिए, हमेशा वन होना चाहिए, हमेशा वन होना चाहिए। सर पटक के बोलोगे अभी, बोलो क्या होना चाहिए? हमेशा वन होना चाहिए। सर कैसे होगा वन? अरे तू टू को कॉमन लेना यार, तू फ्यूचर इंजीनियर है, तू टू को कॉमन नहीं ले सकता, टू को कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, इसमें से एस बचेगा और जो कॉमन लिया उसको 5/2 लिखने का। ये समझा कि नहीं? सर कैसे क्या, जो लिखता है ना अभी देखो, यहाँ पर तुम लोग में से अभी मैं किसी लोग से पूछता हूँ इसमें से कॉमन क्या आएगा, सब लोग के माइंड में क्या चल रहा है मालूम है? 5। मैं तुम लोग को बोलूँ इसमें से मैं 99 को कॉमन लेगा, ऐसा कैसा? ये देख 99 को कॉमन लेने का ना, 99 अंदर का जो भी माल दिखता है ना उसको 99 से डिवाइड कर। क्या बात कर रहे हो सर? यस फैक्ट है ये, तुम लोगों को नहीं भरोसा मेरे पे तो एक काम कर, 98 से डिवाइड कर, 98 को कॉमन ले तो 98 अकाउंट में 98 लिख। अरे सिंपल है ना, मल्टीप्लाई करेगा तो मीनिंग थोड़ी ना चेंज होगा। तो इसका मतलब सर आप ये बोल रहे हो, अभी देखो यहाँ पर इसमें से देखो 2s+5 में से मैं चाहता हूँ कि मेरा एस का कोएफिशिएंट 1 बने तो मैं 2 को कॉमन लेता हूँ, तो 2 को कॉमन लेने के लिए इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अकाउंट में 2, इसका मतलब 2 गेट के आंसर 2s+5/2। बोल मोहब्बत से यस सर। हाँ यार ये चीज क्लियर होता है? अब यहाँ पर s+2 होल स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, बोलो यस और नो। अरे यार बोलोगे नहीं तो फिर मतलब नहीं होगा, प्लीज हाँ या ना, यस और नो, इतना चीज क्लियर हो गया? चलो इसके बाद ये 2 को तो मैं बाहर रख दूंगा, लेकिन मेरे को एक डाउट आ रहा है सर, साला मेरे को इधर +2 चाहिए, लेकर आओगे सर? हाँ लेकर आता हूँ, तेरे लिए तो जान हाजिर है यार, 2 को तो एक काम करता हूँ बाहर रखता हूँ, सबके लिए कॉमन है। तो यहाँ पर क्या चाहिए सर? +2 चाहिए, तो एक काम करना +2 - 2, बोलो हाँ या ना, पैसा वसूल +5/2। कुछ क्वेश्चन चेंज हुआ क्या? कुछ क्वेश्चन चेंज हुआ? देखो ना, जो चाहिए तो लेकर आ गया मैं, +2 लिखा। अगर -2 चाहिए तो -2 + 2 लिखता, अगर तेरे को 1000 चाहिए तो 1000 और -1000 लिखता। बोल हाँ या ना, यस और नो, यस और नो, यस और नो। चलो आगे बोलो, s+2 होल स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। सर मोहब्बत से आंसर बता दो सर, ब्रेकअप करोगे आप? हाँ करूंगा ना यार, हो चुका है अपना। तो यहाँ पर आगे बोलो, ये 2 को तो सर ऐसे रहने दो और लैपलास इनवर्स आओ। सर आपको क्या करना मालूम, s+2 लिखना है एक साथ में, s+2 और ये दोनों को एक साथ में लिखना है। ये समझ गया कि नहीं? ये इसको टच मत करो s+2, ये दोनों को एक साथ में लिखना है। इसको कैलसी है अपने पास 900 रुपये, अरे 900 रुपये वाला कैलसी भी तो है भाई, टिच्ची टिच्ची। -2 + 5/2 क्या होता है रे? बोलो क्या होता है?
कैल्सी को हाथ नहीं लगाना, पूरा एंटर इन्वर्स लैपलेस में कैल्सी को रख दे बाजू में, जिसको लगता है दे दो उधर ही, बोल भाई देख इतना दिन का 900 रुपये का मैं खरीदा है तो 100 रुपये दे मेरे को भाड़ा, एक महीना तेरे पास रख, इन्वर्स लैपलेस में पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको क्या होता है, -4 + 5/2 आंसर क्या आता है, 1/2, ये चीज क्लियर हो गया। अरे बोलो हाँ या ना यार, यस और नो, यस और नो बोला है, हाँ या ना, समझा कि नहीं तुम लोगों, ये क्या हो गया यहाँ पर -4 + 5, यस ये चीज क्लियर हो गया तुम लोगों, तो इसका आंसर क्या आएगा, -+1/2 एज इट इज, ये चीज क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, s+2 होल स्क्वायर। और ये समटाइम अगर कुछ छोटा मोटा गलती वगैरह तो टॉलरेट कर लो यार, बस मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थकूंगा नहीं, तुम लोगों को मालूम पड़ता रहेगा स्टार्टिंग का जो एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहा है और इंक्रीज करते जाऊंगा एनर्जी, लेकिन क्या वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा तो फिर मतलब नहीं आएगा, बच्चे लोग बोलेंगे इतना बड़ा, अरे वो 10 मिनट में सिखा रहा है और ये वीडियो 50 मिनट में बता रहा है, तो मैं 10 मिनट वाला देखता हूँ ना, 50 मिनट वाला क्यों, ये तो पकाता रहता है पक 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 पक। अरे समझ यार, कंटेंट देखना तू, एक बार मैच करो और उसके बाद कमेंट करना, एक रिक्वेस्ट है चलेगा, एक रिक्वेस्ट है पूरा एंटायर तुम लोग का जो कॉलेज वगैरह में होता है उसका कंटेंट और ये वाला कंटेंट को मैच करने का, ये इतना छोटा तो करो टास्क। चलो आगे बोल दो तुम सर, इसके बाद क्या करना बच्चा, ब्रेकअप 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 लैपलास इनवर्स ऑफ s+2 को साथ में लिखना, s+2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या +1/2 / s+2 होल स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, वाओ ऑसम। अब क्या करना सर, अरे यार मत बोलो तुम लोगों क्या करना है, इसके पास जाएगा, तो सर ये 2 को तो बाहर रखो सर, लैपलेस इनवर्स ऑफ s+2 / s+2 होल स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, वेरी गुड, ये +1/2 हो, 3 हो, 1000 हो, करोड़ हो, तो मैं इसको बाहर ही रखता हूँ, 1/2 लैपलेस इनवर्स ऑफ 1/s+2 होल स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। अब मोहब्बत से बोलो इसका आंसर आएगा या नहीं आएगा, मोहब्बत से प्लीज जो बोलो एक चीज क्लियर करो, मोहब्बत गई भाड़ में, पहले ये सोचो 1/2 इसके लिए कॉमन है, ये 2 एंटायर चीजों के लिए कॉमन है, एंटायर चीजों के लिए कॉमन है, हाँ यार बोलो ये 2 सबके लिए कॉमन है, ये 1/2 सिर्फ इसके लिए कॉमन है, तो यहाँ पर क्या आएगा सर, ये 2 लिखो डब्बा बड़ा, इसमें से e^-2 को कॉमन लो, लैपलेस इनवर्स ऑफ s/s² + 3 का स्क्वायर, बोलो यस सर, 1/2 लिखो इसमें से e^2 देखो +2 है तो e^-2t लैपलेस इनवर्स ऑफ 1/s² + 3 का स्क्वायर। अब बस बस मैं भी तक पक गया यार, इतना इतना लिखते लिखते एक ही चीज बार बार सिखा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है तुम लोगों को भी फील आता है, एक ही तो सिखा रहा है सर, एक ही तो सिखा रहा है, अरे कैसा बोल रहे हो यार बच्चा, तकलीफ दे रहा है तो दिल को, इधर 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 तकलीफ हो जाएगा अगर तुमने बोला एक ही सिखा रहा है, हर चीज में कुछ ना कुछ चेंजेस किया मैंने हर चीज में, एक बार वीडियो ना दिल से देखो, दिल से देखो तुम लोग को समझेगा कि यार क्या मैं सिखाया हूँ, समझ रहा, और खुद से क्वेश्चन बनाने का ट्राई करो यार, खुद से बनाओ क्वेश्चन, और नहीं आया तो तुम लोग को मैंने बोला डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करो मुझसे, समझ रहे, इंस्टाग्राम पे लिंक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, ये चीज क्लियर होता है। अभी इसका तो कॉस आ जाएगा और इसका साइन आ जाएगा, दोनों नॉर्मल वाला आएगा, हाइपरबोलिक नहीं आएगा, बस यार खत्म, बेसिक्स खत्म, अब तुम लोगों को मजा आने वाला है, बेसिक्स खत्म है, बेसिक्स खत्म है, जितना चाहिए था उतना हो गया, समझा चीजों को, हाँ यार क्या करना है सर, शिफ्टिंग आएगा, मतलब सर आप यही बोलना चाहते हो शिफ्टिंग आएगा तो दोनों में इक्वल अमाउंट में शिफ्टिंग होना चाहिए, अगर नीचे में +2 है तो ऊपर भी +2 होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो बनाऊंगा कैसे, +2 - 2, नीचे +10 है तो ऊपर भी +10 होना चाहिए, कैसे बनाऊंगा +10 - 10, हाँ या ना, आगे क्या है पता नहीं, एक चीज लाइफ में याद रखना, कोई विशन ऑफ एस हमेशा क्या होना चाहिए, कोई विशन ऑफ एस हमेशा क्या होना चाहिए, एस क्या होना चाहिए, एस ऑलवेज वन, और एक नोट करके लोगों एस लिखो, s and s² लिखो, ताकि तुम लोगों को क्लियर है, लाइफ में यूज होगा, लाइफ में यूज होगा, ये बहुत यूज होने वाला है, जैसे कि देखो पहले एक लाइफ में तो इधर ही यूज हो गया, 2 को साले को कॉमन ले लिया, अरे हाँ या ना, ये चीज क्लियर होता है, यहाँ पर 2.5 यहाँ पर क्या है 1/2 बराबर है, ठीक है चलेगा, सेशन खत्म करता हूँ, हाँ या ना बोलो सही लगा या नहीं लगा, अच्छा लगा तो ठीक है लाइक करना है, ठीक है वो बाद में। अब मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर, अगर पहला और दूसरा वीडियो अच्छे से क्लियर है, रिवाइज हो गया, तभी वीडियो नंबर 3 पे जम करना, अदरवाइज नहीं करना, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर पहला दूसरा अच्छे से देख लिया तभी जम करना, अदरवाइज नहीं करना, समझ रहा, अगर मेहनत अच्छा लगा तो तुम लोग हम लोग को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आउटसाइडर वाले मुंबई यूनिवर्सिटी डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और आउटसाइडर वाले इफ़ यू वॉन्ट तुम लोग को एफर्ट अच्छा लग रहा है तो तुम लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इंस्टा मोजो का जो आईडी होता है उसका हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, ठीक है चलो ये वीडियो के लिए इतना ही, और हम लोग अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर करना अपना अच्छे से, और थैंक यू सो मच।